हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी 2025 कांस्टेबल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ईडी मेन फ्रेज को। क्लास बहुत छोटी है बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्लास को आप एंड तक देखना। कई बच्चों ने एसएससी जीडी 2025 के फॉर्म फिल भी कर दिए होंगे और कई बच्चे करेंगे। फॉर्म फिलिंग के बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है प्रिपरेशन का। तो आपको किस पैटर्न पर एग्ज़ाम आता है, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए आपको मैं एक बुक रिकमेंड करूँगी जो है चक्षु पब्लिकेशन की, एसएससी जीडी 2025 कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई हुई इंपॉर्टेंट बुक। एक नज़र उस बुक पर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये बुक एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए बनाई गई है, जिसके अंदर सभी प्रश्नों के हल दे रखे हैं और पहले प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं वो भी बताया गया है। आप जल्दी से इस बुक को एक बार नजर मार लीजिए, ये मैथ्स की बुक है। ये देखिए, इसके अंदर हर चैप्टर का दे रखा है, सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आते हैं नंबर वाइज, और इसको सॉल्व करके भी दिखाया गया है और इस पर जो भी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है वो भी दिखाए गए हैं। इसी तरीके से आप जीके के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी और हिंदी के लिए भी बुक ले सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में जीडी से लेके सीएचएसएल या फिर और भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी दिखाए गए हैं। ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए गए हैं और भी किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आप इसको सीख सकते हैं। तो ये बुक आप ज़रूर खरीदें। तो जैसे कि ये बुक थी मैथ्स की, इसी तरीके से आप जीके जीएस की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, हिंदी की ये बुक ले सकते हैं और ये बुक आपको इजीली अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील पर अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके बुक को परचेज़ करिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। अब बिना टाइम को वेस्ट करें फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का जो सबसे पहला ईडियम है वो है आपका टेक टू टास्क। कभी आपके एग्जाम में ऐसा आ गया ईडियम टेक टू टास्क, इसका मतलब होता है डांटना, जिसको हम रेप्रीमेंड करना बोलते हैं। रेप्रीमेंड आप वो क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हो, रेप्रीमेंड मतलब स्कॉल्डिंग करना होता है या डांटना फटकारना होता है। टेक टू टास्क आ गया, इसका मतलब डांटना है, याद रखना, ठीक है। तो टेक टू टास्क मतलब टू रेप्रीमेंड, जिसको हम बोलते हैं डांटना। नेक्स्ट है बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब होता है हारना, जिसको हम बोलते हैं टू गेट डिफीटेड, हार जाना, हार मान लेना, या तो जिसको बोलते हैं ना असफल हो जाना, बाइट द डस्ट कहलाता है। तो याद रखना, कभी भी आए बाइट द डस्ट, इसका मतलब होता है हारना। नेक्स्ट है ब्लाइंड आई, जैसे होता है ना कि आप किसी चीज़ को अनदेखा कर रहे हो, सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर देना ब्लाइंड आई कहलाता है। जैसे आप कहते हैं ना कि सारी गलतियां देखते हुए भी उसको नज़रअंदाज कर रहे हो, तो उसको आप ब्लाइंड आई कह सकते हो। ब्लाइंड आई का मतलब प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, यानी आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप उसको ध्यान नहीं दे रहे, अनदेखा कर रहे हो, ठीक है। तो ब्लाइंड आई कभी भी आए, इसका मतलब होता है अनदेखा करना। नेक्स्ट है एन आयरन विल। हम बोलते हैं ना कि इसका जो आयरन विल है, मतलब इसके अंदर दृढ़ निश्चय है या दृढ़ संकल्प वाला ये व्यक्ति है, तो आयरन विल होना दृढ़ निश्चय या दृढ़ संकल्प कहलाता है, जिसको हम फॉर्म ओपिनियन कहते हैं। किसी का भी दृढ़ संकल्प आयरन विल कहलाता है इन टर्म्स ऑफ ईडियम, याद रखना। कभी भी यह इसका मतलब होता है दृढ़ संकल्प। नेक्स्ट है वेट बिहाइंड द ईयर्स। अगर ये ईडियम आए वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसका मतलब नया नया या नौसिख हुआ, जिसको हम बोलते हैं यंग एंड इनएक्सपीरियंस बोल सकते हैं, नेव वर्ड बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है किसी भी काम में नया या नौसिख हुआ, जिसको बोलते हैं। तो वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है नौसिख हुआ। अब देखो आगे के ईडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो ईडियम है वो है ब्रेक द आइस। कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा है ब्रेक द आइस, इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। जैसे एक कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हैं और सभी चुप हैं, तो पहले किसी का बात करके बातचीत स्टार्ट करना, खामोशी को ख़त्म करना, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक द आइस कहते हैं। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू इनिशिएट अ टॉक या इनिशिएट अ टॉक, जिसको बोल सकते हैं बातचीत की शुरुआत करना, चुप्पी तोड़ना जिसको बोलते हैं। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। नेक्स्ट है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स का मतलब है दोनों तरफ से जो चीज़ें लाभदायक है, ठीक है, ऑल द एडवांटेजेस जिसको बोलते हैं, हर तरफ से जो चीज़ें आपके लिए लाभदायक हो उसको हम बोलते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। इसका मतलब होता है हर तरफ से
लाभदायक। नेक्स्ट है आपका काउच पोटैटो। काउच पोटैटो का मतलब आलसी व्यक्ति को बोलते हैं, जो जैसे होता है ना कि जो बहुत लेजी पर्सन हो उसको आप काउच पोटैटो भी कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ इडियम। तो काउच पोटैटो इसका मतलब आलसी लेजी पर्सन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है शेक ऑफ। शेक ऑफ का मतलब है किसी भी चीज़ से पीछा छुड़ाना, तो आप थोड़ा याद कर लेना। शेक ऑफ का मतलब टू गेट रिड ऑफ बोलते हैं। रिड मतलब होता है बचना, किसी चीज़ से परहेज करना, पीछा छुड़ाना, तो शेक ऑफ का मतलब होता है पीछा छुड़ाना। नेक्स्ट है टुक टू हील्स। टुक टू हील्स का मतलब है डर के मारे भाग जाना, ठीक है, रन अवे फ्रॉम फियर जिसको बोलते हैं, रन अवे इन फियर सॉरी बोलते हैं, यानी डर के मारे भाग जाना क्या कहलाता है, टुक टू हिल्स कहलाता है इन टर्म्स ऑफ इडियम। यानी क्या है, डर के मारे भाग जाना। अब देखो आगे के इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो इडियम है वो है ब्रिंग टू लाइट। जैसे होता है ना किसी भी छुपी हुई चीज़ को प्रकाश में लाना या सबके सामने ले आना, ब्रिंग टू लाइट कहलाता है। कभी भी आपके एग्जाम में आए ब्रिंग टू लाइट, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिवील करना, यानी टू रिवील जिसको हम बोलते हैं, यानी सबके सामने लाना। नेक्स्ट है आपका एट स्टोन्स थ्रो। एट स्टोन्स थ्रो कभी भी इडियम आए, इसका मतलब है जो चीज़ें बहुत पास में हो, वेरी नियर, बहुत नज़दीक जिसको बोलते हैं, एट अ स्टोन्स थ्रो कहलाता है, ठीक है, वेरी नियर यानी बहुत नज़दीक जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है विल ओ विस्क, जो चीज़ें अनरियल हो उसको कहते हैं। याद रखना ऐसी कोई भी इडियम की स्टेटमेंट आए विल ओ विस्क, इसका मतलब जो चीज़ें अनरियल हो या जो चीज़ें असत्य हो, भ्रामक हो, उसको बोलते हैं। विल ओ विस्क का मतलब अनरियल है जिसको हम बोलते हैं, जो चीज़ें असत्य हो या तो भ्रामक हो या भ्रामक हो, भ्रम आपको देने वाली चीज़ें हों। नेक्स्ट है वियर अ लॉन्ग फेस, जिसका मतलब है उदास दिखना, टू लुक सैड जिसको बोलते हैं, ठीक है, इस बोलते हैं ना कि तुमने इतना लंबा मुंह क्यों लटका लिया है, जैसे हिंदी में बोलते हैं, तो वही है वियर अ लॉन्ग फेस जिसको बोलते हैं टू लुक सैड, जिसको हम बोल सकते हैं उदास होना। नेक्स्ट है टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब है पूरी ताकत से, जैसे हम बोलते हैं विद फुल फोर्स या विद फुल स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, ठीक है, विद फुल पावर भी बोल सकते हैं। टूथ एंड नेल का मतलब है जो चीज़ें पूरी ताकत से करी जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी सी आज की क्लास थी इडियम इन फ्रेज एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए। और भी ऐसी क्लासेस आती रहेंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।